बोरीवली वीर सावरकर उद्यान समिति और पोईसर जिमखाना की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के मौके पर शानदार पालना गीत का आयोजन किया गया। इस गीत महोत्सव में करीब 25 महिलाओं ने अलग अलग भाषाओं में भगवान श्री कृष्ण के लिए पालना गीत गाया, जिसमें सांसद गोपाल शेट्टी जी ने बताया कि करीब 25 महिलाओं ने 13 अलग अलग भाषाओं में, जिसमें मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, तमिल सहित उत्तर भारतीय और हिंदी भाषाओं में पालना गीत गाकर इस परंपरा को जिंदा रखने का बेहतरीन काम किया है। इसके लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि आने वाले वर्ष में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम महिलाओं के अलावा तमाम युवतियों को भी बुलाया जाएगा, जिससे हमारी परंपरा जिंदा रहे। भगवान श्री कृष्ण के युग के 6000 बीत जाने के बाद भी आज हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण के पालना गीत की परंपरा को जिंदा रखने का काम हम सब कर रहे हैं और आने वाले समय में इस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहा है सांसद जी, वह सुनाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सांसद गोपाल शेट्टी जी ने वीर सावरकर समिति की तरफ से एक चित्रित जो है सर्टिफिकेट भी उन महिलाओं को दिया, जिन महिलाओं ने सुंदर गीत का यहाँ गाया है और उनके मनोबल को बढ़ाया है। देखिए खास रिपोर्ट। Thank you.
बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं 1991 में नगर सेवक बनने के पहले जिस बस्ती में मैं रहता था वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। मराठी लोगों की ये बस्ती है और वहाँ पर पहला जो कृष्ण भगवान का जन्म होने के बाद में मराठी भाषा में पालना गाया जाता है, वो पालना मैंने पहली बार सुना और 32 साल मैं लगातार सुन रहा था। लेकिन परसों जब जन्माष्टमी हुआ तो नई पीढ़ियाँ जुड़ नहीं सकी और पालना गाने वाला कोई नहीं था। और फिर बहुत एक एजड बहन हमारे आई और उन्होंने एक दो लाइन गाया तो मुझे मन में बड़ा पीड़ा हो गया कि क्या होगा आगे करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी आवाज़ को सुनी और नितिन प्रधान जो हमारे वीर सावरकर के अध्यक्ष, अजयराज पुरोहित, श्रीधर साठे, इन सारे लोगों ने मिलकर एक बहुत ही नया कल्पना मन में लाया और सभी भाषा में लगभग मराठी, गुजराती, केरला, कर्नाटक, गढ़वाली भाषा में, यानी देश के सभी भाषा में जन्माष्टमी का जो पालना का गीत होता है वो गाया। कितने लोगों ने गाया? 25 लोगों ने ये गीत गाया, 13 भाषा में गाया। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बैठे बैठे चिंता इस बात का कर रहा था, एक कार्यक्रम होने का एक प्रसन्नता मन में था लेकिन थोड़ा चिंता भी था क्योंकि जितने लोगों ने भी गाया वो अबाव 50 के लोग थे। तो मैंने कहा कि ये नए बच्चे इसमें जुड़ना चाहिए, तो उस कमी को भी भक्ति तिवारी आई और लास्ट में उन्होंने गाया तो मैं टोटलिटी में एक पैकेज पूरा हो गया। मैं भक्ति से निवेदन करूंगा, हमारी रुस्तम जी एक केरल की टीचर थी, उन्होंने गाया और वो डांसर भी है ऐसा पता चला अभी। तो मैं मानता हूँ कि ये शानदार जगह है, इसका उपयोग करके हमारे नए बच्चों को हम कैसे कल्चर के साथ में जोड़े उसके लिए एक प्रयास होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और होगा। और होगा ये इसलिए मैं कहता हूँ, अजयराज जी से मैं पूछा कि ये कृष्ण भगवान का जो काल है वो कितने साल हो गए, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 6000 साल हो गए। तो 6000 साल से परंपरा चली आई है, उन दिनों में ना तो टेलीफोन होगा, मोबाइल, ये तो अभी ये सब आया 21वीं शताब्दी में। तो उन दिनों में भी अगर ये पूरे देश में परंपरा कहो या तो सिलसिला चला था तो ये आने वाले कितने हजारों साल तक ये चलना है। और टेक्निक और टेक्नोलॉजी के दुनिया में मैं मानता हूँ कि हमारे यंग जनरेशन, नई पीढ़ी को हमको इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा और ये जुड़ेगा। इसको परमात्मा ही करते हैं, हम सब लोगों ने अपना योगदान देना है और सब ने इसका योगदान दे आने वाले दिनों में, यही भावना प्रकट करता हूँ। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जब वीर सावरकर जी का फोटो उनके घर पे जाएगा तो उनको अगले साल तक के भी ये कार्यक्रम याद रहेगा, सारे आजू बाजू के लोग आके पूछेंगे तो वो भी जुड़ेंगे अगले साल में। मेरा ये इच्छा है कि ये बड़ा कार्यक्रम हो और मैंने अभी कहा कि अगले साल कृष्ण जन्म होने के पहले 6 बजे शाम को कार्यक्रम शुरू करो, एक 5-6 घंटा का कार्यक्रम चलेगा, 6 बजे करो या 9 बजे करो, 9 से 12 तक भी होता है, 3 घंटे में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। तो अगले साल हम इसी जगह पर जन्माष्टमी के पहले ये कार्यक्रम करेंगे।